वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप विनर सेशन एंट्री खेलते हो किसी भी मैच का, तो जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पे जो है आप जुड़ सकते हो और ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से आप खेल सकते हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो क्या एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, वैमनस्य रखना नहीं चाहिए। अच्छा। दूसरा तो क्या बोलूं मैं? नहीं सर, हम बिल्कुल चले, हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के इवेंट के हवाले से यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि बकायदा तौर पे रिलीजियस प्रैक्टिस करते वो नजर आए इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। और ओवरऑल यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज? नहीं मैसेज क्या बोलूं मैं, मैसेज यार। अच्छा लगा ये सब आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है। Plus, we all came from New Zealand, the whole family. What's about today's event and especially PM Modi's speech? Yeah, it is wonderful. It's a really a harmony between two countries, not only a two country, worldwide it's good for the harmony. One world, one family. One world, one family. Indian Prime Minister ने जो speech की उन्होंने बोला कि भाई one world, one family. देखो हमारे जो हिंदू हिंदू इसमें है कि वसुदेव कुटुंबकम, इस पूरा दुनिया है वो एक कुटुंब है, एक family है। सर आज के इवेंट के हवाले से क्या कहेंगे, और स्पेशली जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक तो ये चीज, और सेकंडली यूएई के जो गवर्नमेंट है या प्रेसिडेंट है उनके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दिल जीत लिया। आपने देखा, आपने सुना होगा, सन बिलोंग्स टू होम, विच रिलीजन? नो रिलीजन। करेक्ट। विंड बिलोंग्स टू विच रिलीजन? नो रिलीजन। तो व्हाई शुड वी हैव अ रिलीजन, और व्हाई शुड रिलीजन स्टॉप अवर फ्रेंडशिप? डेफिनेटली, ये बड़ी अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ पे इंडियन से पूछूं कि भाई नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट, तो आप क्या जवाब? नेशन फर्स्ट, ये चीज है मैम आपके लिए, नेशन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट। मैं तो कहता हूँ सहेल भाई, ह्यूमैनिटी फर्स्ट। और सर आप बताएं, आपके लिए नेशन फर्स्ट है और रिलीजन फर्स्ट है? नेशन फर्स्ट है जी, आपके लिए फर्स्ट होता है। रिलीजन इज बेस्ड ऑन आर हार्ट एंड सोल, करेक्ट। हमेशा नेशन फर्स्ट होता है। मैम आपके लिए नेशन फर्स्ट है रिलीजन? ऑलवेज नेशन फर्स्ट। सर आपके लिए नेशन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। रैंडमली यहाँ पे लोगों से पूछ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि किसी से ऐसे ही। मैम अच्छा, मैम आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन। आपके लिए मैम? नेशन। आपके लिए सर? ऑब्वियसली नेशन। कोई तो कोई नहीं बोल रहा यहाँ पे। और लेकिन यही चीज जब हम पाकिस्तान की पब्लिक से पूछते हैं, देखें यहाँ पे मोहब्बत की बात करने आए हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, लेकिन ये रियलिटी है कि जब पाकिस्तान से यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है तो 90% लोगों का जो जवाब होता है वो आप सब सुन चुके हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से बात करके, और ऐसा फील हो रहा था, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शायद इस टाइम हम इंडिया में मौजूद हैं। एक बात बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी लोगों के लिए। जी जी, कि पाकिस्तान के लोगों के जो जज्बे वाली बात करते हैं ना। अच्छा, आपके इंटरव्यू जज्बा बहुत, जज्बा तो जो जज्बा है ना वो छोड़ के अमन का रास्ता पे चले तो टेक्नोलॉजी पढ़ाई में आगे रहेंगे। आज दुनिया में, आज भारत के लोग जो आईटी में आगे बढ़े हैं, उस हिसाब से पाकिस्तान के भी बढ़ेंगे। डेफिनेटली। अच्छा, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी आगे जाए? अब पूरा पाकिस्तान हो गया है, तो उससे जगह अगर पढ़ाई करेंगे लोग, शोर आएगा उनमें, अवेयरनेस आएगी, तो आगे बढ़ेंगे। तो अभी जरूरत है, जो यहाँ पे जितने भी आए ड्राइवर जो, उनमें सही माने में बहुत सारे प्यार से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हम लोग यही सोच जोन सी है, मैं समझता हूं। उन लोगों का जो एक मैंने एक सोच थी, हम लोग वहाँ से तंग आ गए हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ पे आ गए। और नो डाउट पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये चीजें तो सब जानते हैं कि हम। सर आपके लिए क्वेश्चन है छोटा सा, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। नेशन फर्स्ट जितने। अच्छा, आपका नाम? रमेश। और आपका नाम? अच्छा बाबू। कहाँ से आप? इंडिया। इंडिया से जी, जरूर। इस एक जस्ट अ मिनट वेट। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से, और ओवरऑल जो पूरी दुनिया में एक मैसेज क्या है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सब रिलेश नेक होना चाहिए, इंसान इंसान, इंसान इंसान, सबको एक होके यूनिटी के साथ। बस भगवान। मैम हेलो, यस आई एम सोहेब। हेलो, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मैम सबसे पहले तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। ठीक है, आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या मैसेज गया इस इवेंट? इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। ऐसे इवेंट क्या आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी होने चाहिए? पाकिस्तान में भी बहुत से मंदिर मौजूद हैं, अगर उन्हें प्रॉपर रेनोवेट किया जाए तो इंडिया से बहुत से अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पाकिस्तान पीपल, यू नो। ऑल गुड। आपके लिए नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? रिलीजन फर्स्ट। ठीक है, आपके लिए सर?
क्या चीज, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना आपके लिए, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? एक्चुअली नेशन फर्स्ट ज्यादातर। अच्छा, आपने पहले भी रिलीजन बोला। रिलीजन क्योंकि हम एक बहुत धार्मिक जगह में खड़े हैं, इसके लिए ओवरऑल अगर पूछा जाए तो आपके लिए नेशन फर्स्ट। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके। और जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं इंडियंस हैं, मोस्टली यही कहते नजर आ रहे हैं नेशन फर्स्ट। और मैं ये समझता हूँ शायद इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की जो पोजीशन है उसकी रीजन ही ये है कि उनके लिए अपना जो उनका कंट्री है भारत है वो पहले है। नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। ठीक है सर, नेशन फर्स्ट नेशन नेशन कोई बिल्कुल सोचे बगैर सोचना ही नहीं है। देखिए हमारे बड़े भाई, हेलो सर, नेशन फर्स्ट। और आपका नाम? अकबर। फ्रॉम वेयर? इंडिया। इंडिया, अकबर भाई आप इंडिया से हैं, आप बताएं नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नहीं, रिलीजन के अंदर है कि नेशन को फर्स्ट रखो। ठीक हो गया। और हाँ, ये बड़ी टेक्निकल बात की है इन्होंने। नहीं नहीं, ये सर ये वाकई में हमारा मजहब भी यही कहता है कि आप जिस कंट्री में रहते हो उसकी आप बड़ी हिफाजत करो, बड़ा उसकी रिस्पेक्ट करो और उसे अपने पहले रखो। लेकिन ये वो लोग जानते हैं जो एजुकेटेड होंगे, जिन्होंने वाकई में थोड़ा मजहब को भी देखा होगा। अच्छा, आज के इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम किया इसके अंदर। अच्छा, आप लोगों ने एज ए एक मुस्लिम है इंडिया से और इन्होंने ये काम किया? डिजाइन जो अभिषेक मंडप का हुआ है और एग्जीक्यूशन जो हुआ है वो हम लोगों ने किए। अच्छा, मैंने खुद डिजाइन किया हूँ। जबरदस्त। यहाँ पे ब्रह्म विहारी स्वामी ने हमको अपॉर्चुनिटी दिया था प्रेजेंट करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने किए। उनको काम इतना पसंद आया कि शायद आगे भी हम लोग को लेके जाएंगे। आप बता सकते हैं? बता सकता हूँ। अभी इनके अपने स्वामी जी के साथ इनकी मुलाकात हुई थी और स्वामी जी ने उनको छुमा अपने अपने गाल पे और हक करके उनसे कहा कि ये मेरा बेटा अकबर। अच्छा। मैं जहाँ भी जाऊँ ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, दुनिया का सैर मैं इसको कराऊंगा, ये मेरा वादा है। करके ऐसे बोला, सच यही वर्डिंग रही। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। हम थे साथ, हम साथ में थे। तो क्या आप कहना चाहेंगे ऐसे ही सेम इवेंट अगर लेट्स सपोज दूसरे इस्लामिक कंट्री में होता है, लाइक पाकिस्तान से, मैं पाकिस्तान से बेसिकली, पाकिस्तान में भी सेम ऐसा इवेंट होता है तो क्या लगता है टूरिज्म के हवाले से कितना? बहुत सुनते हैं कभी कभी, बहुत शुक्रिया। तो सर क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे लोग आए, पाकिस्तान में भी लोग आएंगे अगर ऐसा इवेंट होता है, यहाँ जो वहाँ पे मंदिर है उन्हें रेनोवेट किया जाता है? हाँ, मेरे साथ डेफिनेटली आएगा क्योंकि मैसेज जो है हार्मनी का है, को एग्जिस्टेंस का मैसेज है। तो जब को एग्जिस्टेंस करेगा, प्यार मोहब्बत करेगा तो फिर लोग तो आएंगे। अब जैसा ये मंदिर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग आएंगे शायद वर्शिप के हिसाब से आएंगे, सेकंड आएंगे यहाँ का आर्किटेक्चुरल ब्यूटी देखने के लिए, और तीसरे जो यहाँ के जो स्वामी जी है उनको व्यवहार देखने के लिए ये लोग आएंगे। दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशन कितना बेहतर होगा और इससे यूएई को कितना फायदा होगा? मैं तो समझता हूँ बहुत ज्यादा फायदा है। 100% इसमें तो कोई शक नहीं है, बिकॉज अगर जब आप किसी को कुछ दोगे तो आपको भी सामने वाला देगा। डेफिनेटली गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ऐसा ही होना चाहिए। शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा बात। पाकिस्तान भी हमारा भाईचारा ही रहता है। अच्छा, 100% ऐसा ही है, कोई राय नहीं है इसमें। बहुत शुक्रिया जी। हेलो मैम, हाय, आपका नाम? थैंक यू जी, थैंक यू। आपका मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। ठीक है प्रियंका जी, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन है, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? रिलीजन फर्स्ट। ठीक हो गया, ये आपकी ओपिनियन थी सर। अच्छा क्या कहें मैम, क्या कहेंगी आज के इस इवेंट के हवाले से जो यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, और सेम यही चीज अगर पाकिस्तान में होता है कोई ऐसा मंदिर रेनोवेट किया जाता है तो क्या आप आएंगी वहाँ पे? जरूर आएंगे हम। अच्छा, जरूर आएंगे। ठीक है, देश मायने नहीं रखता है, आपस का भाईचारा मायने रखता है, ऐसे है ना? ह्यूमैनिटी सबसे पहले होनी चाहिए। बेटा आप बताओ, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नेशन फर्स्ट। हाँ, नेशन फर्स्ट। चले ठीक हो गया, बहुत शुक्र। मैं हमेशा आपको पाकिस्तान के टीवी में देखती रहती हूँ। रियल टीवी? रियल। मैं पाकिस्तान के टीवी में देखती रहती हूँ। वी आर वेरी बिग फैन ऑफ यू। थैंक यू मैम। इसलिए फैन है क्योंकि बिकॉज आप इंडिया का इतना अच्छी तरह से मजबूती से आप इसका प्रसार करते हैं, एंड देन रियली आई ऑलवेज सी योर चैनल। थैंक यू मैम। क्या कहना चाहेंगे, क्वेश्चन मैं सबसे कर रहा हूँ, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट? नो, आई से दैट इट इज अ नेशन फर्स्ट, इट जॉइंस अ रिलीजन। जबरदस्त जबरदस्त, ऐसे ही है मोस्टली 90। थैंक यू, बिकॉज नेशन जब होता है रिलीजन अपने आप जुड़ जाता है, ऐसा ही है। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज वी हैव, वी आर वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियंस, एंड देन इंडिया इज ऑलवेज द बेस्ट आउट ऑफ ऑल द वर्ल्ड। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके।